हाय गाइस, जबरदस्त में आपका स्वागत है। प्रियंका चोपड़ा का ग्रीन बॉल आउटफिट भला कोई कैसे भूल सकता है। इस आउटफिट के लिए प्रियंका को इतना ट्रोल किया गया कि उन्होंने भी खुद पर बने मीम्स को देखना शुरू कर दिया था। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब बॉलीवुड एक्ट्रेसेस अपने आउटफिट्स के चलते ट्रोलर्स का शिकार बनी है। मोस्ट ऑफ द टाइम कैन फिल्म फेस्टिवल में अपने यूनिक ड्रेस स्टाइल्स के चलते इन्हें नेगेटिव कमेंट्स का सामना करना पड़ता है। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी एक्ट्रेसेस के बारे में बताएंगे जिन्हें अपने कैन आउटफिट्स की वजह से ट्रोल्स का सामना करना पड़ा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नंबर एक, दीपिका पादुकोण इन 2022 कैन। फ्रांस में चल रहे कैन फिल्म फेस्टिवल में भारत को रिप्रेजेंट करने पहुंची दीपिका पादुकोण को अपने मेकअप और हैवी इयररिंग्स के चलते नेटिजंस की ट्रोलिंग का शिकार बनना पड़ा था। दीपिका का सभ्यसाची साड़ी का लुक जहां उनके फैंस को बेहद पसंद आया, वहीं कई लोगों ने उनके मेकअप को एक डिजास्ट्रस चॉइस बताया। एक इंस्टाग्राम यूजर ने लिखा, टेरिबल मेकअप, शी इज नॉट शूटिंग एन एड, शी इज वॉकिंग द रेड कार्पेट, चेंज ऑफ एमयूए एंड स्टाइलिस्ट रिक्वायर्ड अर्जेंटली। एक यूजर ने उनके हैवी इयररिंग्स पर कमेंट करते हुए कहा, आई एम सॉरी फॉर हर इयर्स। नंबर दो, ऐश्वर्या राय बच्चन इन 2022 कैन। विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी सुंदरता की वजह से हर जगह फेमस है। कैन 2022 में भी जब ऐश्वर्या राय ने अपना लुक रिवील किया तो हेटर्स ने उनके लुक पर कमेंट करना शुरू कर दिया। दरअसल ऐश्वर्या ने ब्लैक कलर का गाउन पहना था जिसमें 3D फ्लावर्स को एक तरफ स्लीव पर लगाया गया था। इसी पर कमेंट करते हुए एक नेटिजन ने लिखा, टू मच बोटॉक्स। वहीं एक और सोशल मीडिया ने कमेंट किया, व्हाई सो मच फ्लावर्स। ऐश्वर्या इससे पहले भी अपने वियर्ड लुक और ड्रेस चॉइस के लिए ट्रोल हो चुकी हैं। नंबर तीन, दीपिका पादुकोण इन 2019। साल 2019 में हुए कैन फिल्म फेस्टिवल में भी दीपिका पादुकोण ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई थी। दीपिका ने एक डिजाइनर गाउन पहना था। ये ड्रेस नियॉन ग्रीन कलर का था जिसके साथ दीपिका ने बेज हेयर एक्सेसरीज भी पहनी थी। जहां एक तरफ दीपिका के फैंस ने उन्हें रिस्क लेकर ऐसा आउटफिट पहनने के लिए अप्रिशिएट किया था, वहीं दूसरी तरफ कई लोग उनके इस लुक को देखकर भड़क गए थे और उन पर कमेंट करते हुए कहा था कि दीपिका को पता ही नहीं है कि आखिर कैन में किस टाइप के आउटफिट्स पहनने चाहिए, इसलिए वो सेफ खेलती हैं। नंबर चार, कंगना रनौत इन 2018 कैन। कभी बॉलीवुड को स्लैम करने के लिए या फिर कभी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस पर कमेंट करने की वजह से हेडलाइंस में बने रहने वाली कंट्रोवर्सी क्वीन कंगना साल 2018 में खुद ट्रोलर्स का शिकार बन गई थी। कंगना ने कैन फिल्म फेस्टिवल में अपने आउटफिट के चलते हेडलाइंस में जगह बनाई थी। दरअसल उनकी ड्रेस काफी शोई थी जिसकी वजह से नेटिजंस ने उन्हें ट्रोल किया था। इतना ही नहीं, उनकी ड्रेस से लोग काफी भड़क भी गए थे और उन्हें जमकर नेगेटिव कमेंट्स भेजे गए थे। नंबर पाँच, प्रियंका चोपड़ा इन 2017। अपने कॉस्ट्यूम्स के साथ अक्सर एक्सपेरिमेंट करती हुई नजर आने वाली प्रियंका चोपड़ा ने जब साल 2017 में अपने लुक को रिवील किया तो नेटिजंस ने उन्हें काफी ट्रोल किया। उनके अननेसेसरीली लॉन्ग कोट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मीम्स की एक बाढ़ ही ला दी थी। अपने ऊपर बन रहे मीम्स को एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा खुद भी काफी इंजॉय करती हुई नजर आई थी, जिनमें उन्होंने कई मीम्स को अपनी स्टोरी पर शेयर भी किया था। नंबर छह, ऐश्वर्या राय बच्चन इन 2016 कैन। साल 2016 में जब ऐश्वर्या रेड कार्पेट पर वॉक करने उतरी तो सबकी निगाहें उन्हीं पर टिकी रह गई। दरअसल ऐश्वर्या ने एक बेहद यूनिक लिपस्टिक शेड लगाया हुआ था। ये शेड पर्पल कलर का था और इस लिपस्टिक शेड ने उन्हें वियर्ड मेकअप लुक की कैटेगरी में ले जाकर खड़ा कर दिया था। ऐश्वर्या कैन फिल्म फेस्टिवल का एक जाना माना नाम रही हैं और उनका लिपस्टिक शेड पर इस तरह का एक्सपेरिमेंट करना उनके फैंस को काफी पसंद आया था, लेकिन हेटर्स ने उनके इस लुक को जमकर ट्रोल किया था। नंबर सात, सोनम कपूर इन 2015 कैन। बॉलीवुड में फैशन आइकन के नाम से जाने वाली सोनम कपूर जब साल 2015 में कैन फिल्म फेस्टिवल पहुंची तो अपने आउटफिट चॉइस की वजह से नेटिजंस ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया था। इस फेस्टिवल में सोनम ने फेदर्ड गाउन पहना था जिसकी वजह से नेटिजंस ने उन पर फनी कमेंट्स किए थे। एक यूजर ने लिखा, दे सेड आई कुड बी एनीथिंग सो आई डिसाइडेड टू बी ग्रास। वहीं एक दूसरे ट्रोलर ने लिखा, व्हेन अनिल कपूर कट हिज कलर्ड हेयर एंड गेव इट टू सोनम टू मेक हर अ न्यू ड्रेस। क्या आपको भी लगता है कि रेड कार्पेट लुक के लिए ये आउटफिट सूटेबल नहीं है, या फिर आपके अकॉर्डिंग एक सेलिब्रिटी पर्सनल चॉइस के चलते कोई भी आउटफिट कैरी करने के लिए फ्री रहनी चाहिए? डू लेट अस नो अबाउट योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। जाने से पहले हमारे चैनल जबरदस्त को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।